बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम। की फिलहाल क्या हाल आप लोग? ठीक है, खैरियत से? रौफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस पर तक कि फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले शुरू करते हैं ओमान स्प्रिंग कमेटी के इजलास के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है ओमान डिफरेंस के अंदर। इसके अंदर सवाल पूछा गया आम सिटीजन और रेजिडेंट से कि आप क्या चाहते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान में जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद वो हाई हो रही है, तो ओमान स्प्रिंग कमेटी का इजलास मतवक्को है, इसके अंदर क्या फैसले आने चाहिए? तो भाई इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं नीचे जो कम्युनिटी है ओमानी कम्युनिटी, उनकी तरफ से कोई 1500 से ज़ायद कमेंट्स इस वक्त के मुताबिक कर चुके हैं। और इसमें ज़्यादातर के कमेंट्स किसी जो बच्चे ही होंगे कि मदरसे बंद कर दो, कुछ चीज़ें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब बंदिश कर दो 2 महीने 3 महीने, मतलब तमाम इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त के मुताबिक। बाकी ओमान स्प्रिंग कमेटी का इजलास मतवक्को है इस हफ्ते के अंदर, देखते हैं उसके अंदर क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन जो कोरोना वायरस के हालात है वो बहुत ज़्यादा खरबान है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर के ही फैसले हों सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कुछ दीगर खबरों के हवाले से, बात करते हैं कोरोना वायरस के ही हवाले से। जैसे पूरी दुनिया में केसेस की तादाद के अंदर इजाफा, आज ओमान के अंदर 900+ केसेस आके पिछले 3 दिनों के। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ओमानी मीडिया के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, यूरोप में जो स्पेन के अंदर आप लोग देख सकते हैं 2 लाख+ केसेज आ चुके हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कि केसेज की तादाद के अंदर इजाफा। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर केसेज की तादाद के अंदर इजाफा है। ओमिक्रोन का लेकर बात चल रहे थे, अभी एक और आप लोग देख सकते हैं जो ओमानी मीडिया के ऊपर भी दिखाया गया है, वारियंट जो है बताया गया है। और एक यूनिवर्सिटी है जो कॉपरेस जो एक यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से बताया गया है कि एक और वायरस हम लोगों ने देखा है जो कि ना ओमिक्रोन है, ना कोरोना वायरस है, ना कोई पिछला मोमेंटम है, और ओमिक्रोन और कोरोना वायरस की ही खासियत रखता है। और इसका नाम आप लोग देख सकते हैं डेल्टा क्रोन दिया गया है, जी आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है कि डेल्टा क्रोन वॉरियंट भी दुनिया के अंदर उठ सकता है। और ये इस तरह के मरीज़ हम लोगों ने देखे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के तमाम अफाज से तमाम लोगों को बचाए। कभी तो 1-2 वॉरियंट ही झेलें और एक और जो सीरीज़ जो है चलना शुरू होगी। नीचे कमेंट्स क्योंकि यही आते हैं कि सीरीज़ चलना शुरू होगी, तो वैसे मजाक की एक बार, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस तरह का कोई और वेरिएंट ना आए, ये कोरोना वायरस से ही दम मर जाए कि ताकि लोगों की मामलात ज़िंदगी, लोगों की परेशानियां वो हल हो सके। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कुछ एयरपोर्ट्स के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल यानी कि अक्टूबर के महीने तक का उन्होंने निकाल के बताया कि जो पैसेंजर्स की यानी कि मुसाफिरों की जो तादाद है उसके अंदर खासी कमी हुई है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओमिक्रोन वायरस आया और उससे पहले कोरोना वायरस था, चीज़ें बंदिश थी, एयरपोर्ट्स वगैरह बंद थे, फिर फ्लाइट्स ओपन तो हुई, लेकिन ओमिक्रोन की वजह से लोग सफ़र नहीं करते, जो उधर हैं वो उधर वाले ही हैं, जहाँ से भी जो काफ़ी सारे लोग चले गए और कुछ मतलब हैं, मतलब जो मुसाफिर हैं उनके अंदर आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि 18% की कमी हुई है पिछले साल के मुकाबले में। तो आप लोग देख सकते हैं मुसाफिरों के अंदर कमी है, तो इससे खसारा होता है, नुकसान होता है एयरलाइंस को भी और मुल्कों को भी। तो इससे ये बात निकलती है कि इंशाल्लाह ओमान हुकूमत इतनी जल्दी फ्लैट्स बंदिश की तरफ नहीं जाएगा, आखिरी हद तक जाएंगे। अगर केसेस की तादाद हाई होती है पीक पे तो हो सकता है, वैसे मुस्तकबिल का किसी को कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला खैर करेगा। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओमान हुकूमत की तरफ से लास्ट टाइम ये बताया गया था कि हम लोग इन्वेस्टर वीज़ा एक मुतारफ़ करवाते हैं और ये 10 साल की रेजिडेंसी कहलाएगी, यानी कि 10 साल का वीज़ा कहलाएगा जिसको गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है। तो भी इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इस वक्त के मुताबिक 26 लोगों को इन्वेस्टर वीज़ा दे दिया गया है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये भी तस्दीक की गई है कि जो माला पर गोल्ड के जो ऑनर है उनको भी ये इन्वेस्टर वीज़ा हासिल हुआ है। और इसके अलावा मजीद आप लोग देख सकते बताया गया कि 26 अफराद को इन्वेस्टर वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर यानी कि गोल्डन वीज़ा दे दिया गया 10 साल का। तो ये मशले से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं अब वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आएंगे। जैसे दुबई हुकूमत की तरफ से भी ये बताया गया था कि हम लोग इन्वेस्टर वीज़ा को मुतारफ़ करवाते 10 साल की रेजिडेंसी, तो ये ओमान हुकूमत की तरफ से भी जो है मुतारफ़ करवाया गया और वक्तन फवक्तन अब लोगों को देना शुरू हो गए। अब बात करते हैं कुछ आरोपी की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ये आरोपी की तरफ से स्टेटमेंट शाया की गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि 2 अफ्रीकन नेशनलिटी से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जो कि फ्रॉड वगैरह करते थे ऑनलाइन तरीके से या लोगों को इस तरह का दलासा देते थे कि आप लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें हम लोग उसको डबल कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि उन अफ्रीकन पर्सन को हम लोगों ने पकड़ा है जो कि इन्वेस्टर वगैरह का धोखा देते हैं कि हम आप अपनी रुको हमें दें हम उनको डबल कर देंगे या इतना प्रॉफिट दे देंगे, और उनको पकड़ा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा आरोपी की तरफ से आप लोग दे सकते हैं, बताया गया कि इस तरह की तमाम चीज़ों से आप लोग बचें, जो लीगल चीज़ें उनको अपनाएं, बाद में आप लोग दिक्कत परेशानी का सामना करते हैं और कॉल करते हैं आरोपी को, तो पहले ही आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर करें। तो इस चाहें के थ्रू हम आप लोग को ये कहेंगे कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं आरोपी की तरफ से, उनको लाजमी फॉलो करें। तो ये तमाम इस वक्त तक की अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। हंसते बसते रहें इंशाल्लाह। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।